अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर जो शुरू में रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई थी उनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वाज समथिंग जो कि नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हमेशा हर सिनेरियो में नेगेटिव ही समझा गया। फिर चूंकि डिफरेंट एरा में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ रही होती हैं, डिफरेंट रिसर्च स्टडीज कंडक्ट हो रही होती हैं, और रिसर्चर्स हर अंदाज से एक फिनोमिना को स्टडी करते हैं कि उसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स क्या आ रहे हैं, और उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक ही फिनोमिना की पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल इफेक्ट की बेस पे उसकी नेचर को इन तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी भी रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई उनकी फाइंडिंग्स की बेस पे कॉन्फ्लिक्ट को दो तरह से इसकी नेचर को कैटेगराइज किया गया, जिसमें एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी कर सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये तो डिसएग्रीमेंट हुआ, और डिसएग्रीमेंट हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि वेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट तो लोगों के जो क्लैशेस बन जाते हैं वो तो एक दूसरे के बिल्कुल एक वो एनिमी बनते हुए एक दूसरे के साथ फिर हर एक बात के ऊपर डिसएग्री कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मिस्टर एक्स वाई जी ने कही होती है और वो मिस्टर एक्स वाई जी को प्रीवियस हिस्ट्री की बताती है कि उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं। तो हाउ इट कम्स के कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑफ अ फंक्शनल नेचर और ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव नेचर, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, डिसएग्रीमेंट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, क्वेश्चन बजा है, बनता है। तो इसका जवाब ये है कि एक सिचुएशन है, अगर उसको अज्यूम करें कि ट्रेडिशनल मेथड है और या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पुराने लोग काम कर रहे होते हैं और कई सालों से वो काम कर रहे हैं, सपोज 25-30 ईयर्स से दे आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और वो एंट्री लेवल से ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए और उसके बाद नाउ दे आर वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब उसके बाद न्यू टैलेंट आता है एडवांस्ड एजुकेशन के साथ, एडवांस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ। अब वो ये देखते हैं कि हाउ एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स वो इनइफेक्टिव मेथड है, जो आपका प्रोसीजर टू परफॉर्म टास्क है वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लेंथी है, वो अच्छा नहीं है। या इसी तरह से एक सिमिलर सिनेरियो हम बिल्ड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो देखा गया कि उसमें इतने ज़्यादा हायरार्किकल लेवल्स हैं कि लोअर लेवल से कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट करता है तो वो महीनों लग जाते हैं उसके अंदर टॉप लेवल तक, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिसे अप्रूवल चाहिए होता है उस तक पहुँचने में, और उससे फिर साइन होके वापस आने में, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हर एक हायरार्किकल लेवल पे होके वो एप्लीकेशन आ रही होती है, एक जो है वो दूसरे एक दूसरे को वो जमा करवाता है एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट या कंप्लेंट, वो अपने से हायर अथॉरिटी को रिकमेंड वो फॉरवर्ड करेगा, वो फिर अपने से हायर, अपने से हायर, अपने से हायर। अब सोचें कि जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है इतना ज़्यादा हायरार्किकल लेवल्स विल बी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, अब वो तो डिलेज आना शुरू हो जाएंगे। आपके पास 1 वीक का टाइम है जिसमें आपको अप्रूवल चाहिए और अप्रूवल की बेस पे फिर यू विल बी प्लानिंग फॉर समथिंग, तो अप्रूवल में ही 1 हफ्ता तो आपका गया। अब उस 1 वीक के अंदर जो वर्किंग आपको कर लेनी चाहिए थी वो सिर्फ डिले नहीं हुई है, इंतहाई डिले हो जाएगी। इसमें फिर जो न्यू लोग आए, न्यू टैलेंट आया या कोई मैनेजर आया न्यू जो कि अपॉइंट हुआ, वो किसी और कंट्री से आया, किसी और कॉरपोरेट से आया जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल डिवीजन्स को हैंडल करती है, वो वहाँ से आया, उसने क्या कहा कि ये जो आपके
हायरार्किकल लेवल्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं, इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल टाइमली अचीव नहीं हो पाते हैं। आप क्या करें, इनमें से हायरार्किकल लेवल्स को कम कर दें। आप जितने वो 10 लोग अगर 1 2 3 4 जो है वो ऊपर 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 वो लाइन बन रही है वर्टिकली, आप वो जो वर्टिकल लेंथ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उसको कट डाउन कर दें। आप 10 लेवल्स की बजाय 5 लेवल्स में उसको कन्वर्ट करें। इसी तरह से जो पहला सिनेरियो है उसमें एक इंडिविजुअल ये कहता है कि जिस तरह से आप टास्क परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा जो है वो वेस्ट होते हैं, या ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करके आप सेम गोल को अचीव करते हैं। तो आई नो अ मेथड जो कि एफिशिएंट है, जो कि कम टाइम टेकिंग है और जिसमें रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है एट देयर मैक्सिमम लेवल, उसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होगा। अब ये डिसएग्रीमेंट है स्ट्रक्चर वाइज भी और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेस्ड जो प्रोसीजर है उसके लिहाज से भी डिसएग्रीमेंट आया अथॉरिटीज और एम्प्लॉय या न्यूली हायर्ड मैनेजर और एग्जिस्टिंग वर्किंग मैनेजर्स के दरमियान। अब वो बैठेंगे एग्जेक्टिव जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके साथ डिस्कशन होगी, हर एक बताएगा कि हमारा प्रोसीजर ये है, उसके अंदर इतना टाइम लगेगा, फलां गोल को अचीव करने के लिए इतने रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, ये नॉलेज स्किल्स एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स विल बी रिक्वायर्ड। दूसरा जो इंडिविजुअल होगा जो प्रपोज कर रहा है एक न्यू और एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, वो बताएगा कि दिस इज द फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ माई प्रोसीजर, वो कम रिसोर्सेज के साथ कम टाइम के अंदर उतना ही आउटपुट दे रहा है। तो न्यू मेथड जो वो पेश कर रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप टाइम को जब सेव कर रहे हैं दैट मींस के वो जो पहले वाला टाइम आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर उसमें अब आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, तो आपका कॉस्ट जो है टाइम की बेस पे वो कम पड़े या आप उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, प्लस ये कि रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज हो रहे हैं। अब डिसएग्रीमेंट हुआ ऑब्वियसली, इफ द न्यू जो भी उसने प्रपोज किया एम्प्लॉय ने मेथड इफ दैट इज फिजिबल उसको अप्लाई किया जा सकता हो तो ये तो एक अच्छी चीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन को तो गोल अचीव करने हैं और कम टाइम में कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अगर सेम गोल्स कंपनी अचीव कर रही होगी तो और क्या चाहिए होगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव टाइप का कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये डिसएग्रीमेंट ना आता, पुराने मेथड पे हर बंदा आ रहा है उसी मेथड को फॉलो किए जा रहा है, तो किसी को पता ही नहीं था चलना कि यहाँ पे कोई किसी बंदे ने तो उसको अपोज ही नहीं किया ना, किसी ने कहा ही नहीं कि जिस मेथड से आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं ये तो आप रिसोर्सेज और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने डिसएग्री किया ही नहीं है। यही वजह होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब डिसएग्रीमेंट्स आते हैं तो उसकी बेस पे एक इनोवेटिव क्रिएटिव और ज़्यादा एफिशिएंट मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस टाइप के जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो इनको फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। इसी तरह से जो हायरार्किकल लेवल्स वाली एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, उसमें जब बैठ के मैनेजमेंट डिसाइड करेगी और फिजिबिलिटी टेस्ट करेगी और वो देखेगी कि वाकई ही डिलेज की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट में भी डिलेज आना शुरू हो जाते हैं, या ये जो हमारे टाइम पे गोल्स अचीव नहीं होते इनकी वजह ये नंबर ऑफ हायरार्कीज हैं, तो हम इनको कम करके जो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, एक मैनेजर के अंडर अगर 4 लोग काम कर रहे थे तो अब 10 लोग काम करना शुरू कर देंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड कर देंगे, हायरार्किकल लेवल्स को वो सुकेड़ देंगे, अब वो टॉल की बजाय फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप अगर देखते हो कभी पहले बैंक्स में और टेलीकॉम जो हमारी कंपनीज हैं उनमें पहले हर एक का अलग अलग ऑफिस होता था, अब वो अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं था होता, फिर वहाँ पे किसी ने डिसएग्रीमेंट किया, किसी ने कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे रेज किया, कैसे कि ये ओपन सिस्टम होना चाहिए, केबिन्स बना दो, आप जो है सामने एक शीशे वाले कमरे में बैठ जाएं और इनको मॉनिटर करते रहें व्हाट योर एम्प्लॉयज आर डूइंग। और अब आपने देखा होगा कि जो है वो कोई भी अगर कस्टमर जाता है तो उनको पता होता है जी ये फलां जगह पे आप जाएं और मैनेजर कैन मॉनिटर इजीली,
कि वो कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं या बस वो बैठे हुए हैं। तो हर बंदा काम कर रहा होता है, ये फंक्शनल टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इसी तरह से जो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट के, ये डिस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल हो सकता है। अब इसके बारे में तो हमारे पास बहुत से व्यूज होंगे, क्योंकि डिसएग्रीमेंट को हमने हमेशा नेगेटिव ही पढ़ा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, के मेरा एक कुलीग आया मेरे साथ, वो बैठा और उसने एक दो दफा मेरी बातों के साथ डिसएग्री किया। हम रिलीजियस डिस्कशन कर रहे थे, हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, और जो भी मैंने बात की उसने उसको अपोज कर दिया। उसने उसके कंट्राडिक्शन में या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कोई उसने जारी कर दी, मेरी हर बात से उसने इख्तलाफ किया। तो आई विल बी लाइक अनोइंग के ये क्या भाई, ये तो मेरी हर एक बात से डिसएग्री कर रहा है। तो मुझे फील होगा कि ये बंदा जो है ये बस ऐसे ही है, ये खुद को बड़ी चीज समझता है। आई विल बी परसीविंग लाइक दिस, हमारी पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस की वजह से, या मुझे ऐसा लगता है कि वो तो हर काम कर लेता है, वो तो वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन से जो काम जिसके लिए उसको हायर नहीं किया गया, जो अनपेड जॉब्स होती हैं वो तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो बड़ा एफिशिएंट बन रहा है और मैनेजर की नज़र में आ रहा है। तो आई विल बी अ सॉर्ट ऑफ जेलस कि ये तो अपना लोहा मनवा रहा है, ये तो ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक आइडेंटिटी बना रहा है। तो उसकी बेस पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा आई विल स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। डिसएग्रीमेंट हुआ और उस डिसएग्रीमेंट की बेस पे क्लैशेस बनना शुरू हो गए। अब तो वो जो भी बात करेगा, ये तो मैंने ठान लिया है कि उसकी हर एक बात से मैंने डिसएग्री करना है। वो मुझे जो भी चीज़ प्रोवाइड करेगा उसमें मैंने कोई ना कोई खामी निकाल देनी है, उसकी वीकनेसेस को मैंने हाईलाइट करना है, उसको मैंने ऐसी सिचुएशन में डालना है कि वहाँ पे फिर उसकी सारी अकड़ निकलेगी। इस टाइप की बातें हम सोच रहे होते हैं। और अक्सर कोई अगर हाईली क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट हो किसी हायर पोजीशन पे बैठे हुए मैनेजर का या किसी भी सीनियर एम्प्लॉय का, उसके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होती है कि ये मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और ये तो हर काम बड़ी एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये तो एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पे सामने आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन को तो अच्छे परफॉर्मर की ज़रूरत होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरी जगह पे इसको ला बिठाएगी, ये मुझे रिप्लेस कर देगा। अब अपनी इनसिक्योरिटीज की बेस पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। कैसे कि वो उसको टाइमली रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेगा, या प्रॉपर सेट ऑफ डायरेक्शन जो कि टास्क अचीवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगी ये उसको सुपरवाइज नहीं करेगा, ये उसको सेट ऑफ डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं करेगा, या इसको क्लियर ही नहीं करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एम्प्लॉय से मैनेजर क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। ये जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसकी वजह से क्लैशेस बन जाते हैं, और जब क्लैशेस बनते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बजाय जो पर्सनल एनिमिटी है उसके ऊपर फोकस हो जाता है, और लोग फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, पॉलिटिकली एक दूसरे के अगेंस्ट गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, रूमर्स फैला रहे होते हैं, और इस टाइप की फिर हरकतें करके वो अगले की रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी एक्चुअल जॉब्स हैं उसकी बजाय वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे इन प्लानिंग के इसको मैं कैसे डॉज दूँ, इसको मैं कैसे जो है वो इसके इंसल्ट करवाऊँ, या इसका वीक पॉइंट मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में या अपने मैनेजर के सामने रिवील करूँ। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे जब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। देन देर आर डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, के कॉन्फ्लिक्ट किस किस बेस पे हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं। थ्री टाइप्स हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। अब टास्क कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसएग्रीमेंट ऑन टास्क, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट ये रिलेशनशिप के हवाले से डिसएग्रीमेंट्स हैं, और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के हवाले से कि जिस तरह से आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जब लोगों के या एम्प्लॉयज के दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं।
टास्क कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू द कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क. अब काम क्या करना है उससे रिलेटेड जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो उसको टास्क कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है. इट ऑफन इन्वॉल्व्स कंक्रीट इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज वर्क असाइनमेंट्स एंड कैन इंक्लूड डिस्प्यूट्स अबाउट हाउ टू डिवाइड अप रिसोर्सेज, differences of opinion on procedures and policies, managing expectations at work and judgments and interpretation of facts. Purely task related के employee से expect क्या किया जा रहा है कि वो उस task में perform क्या करेगा, फिर actually कौन सा वो set of duties and responsibilities है and roles हैं जो कि उसने perform करने हैं, उससे रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट्स आएंगे तो वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट आएंगे. इसी तरह से काम किस तरह से करना है, काम करने के लिए जो पॉलिसी होगी, जो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ क्या करनी है, उनके ऊपर जब डिफरेंसेस आएंगे मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान, वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होगा. इसी तरह से एक जो भी आप को टास्क असाइन किया गया है उसे रेलिवेंट आप से आपका सीनियर क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है और उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए आपको टास्क किस तरह से कंप्लीट करना होगा, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. फिर जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन, मैनेजर ने आपको जो फीडबैक दिया उस हवाले से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दिया, जितने रिसोर्सेज आपने मुझे एलोकेट किए उसकी बेस पे इतना ही टास्क हो सकता था, और मैनेजर कहता है कि जितना रिसोर्सेज मैंने एलोकेट किया वो एडिक्वेट था, वो इनफ था टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया. कॉन्फ्लिक्ट्स. इसी तरह से द अदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अमंग पीपल होगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो सकती है दो या दो से ज़्यादा वर्कर्स के दरमियान, तो जो उनके डिसएग्रीमेंट्स आते हैं उनको कहते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट. अब रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आप अज्यूम करें ज़रा कि एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम की फॉर्मेशन की है, उस टीम में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं उनकी इनकम्पैटिबिलिटीज पर्सनैलिटी की बेस पे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, फिर क्या होगा, उनका फोकस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़्यादा होगा पर्सनैलिटी के हवाले से, और उनका फोकस टास्क के मेन गोल से हट जाएगा. तो इंटरपर्सनल या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को एक हिंड्रेंस, एक चैलेंज, एक बैरियर समझा जाता है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल टास्क अचीवमेंट. अब ये डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है, ये किसी के स्टाइल की वजह से हो सकता है, ये मैटर्स ऑफ टेस्ट या इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है कि दो लोग हैं वो उनका इंटरेस्ट कुछ और है. जैसे स्टूडेंट लेवल पे आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसी में आपके जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना चाहिए और फिर फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे एक रिपोर्ट बनानी चाहिए. दूसरा मेंबर समझता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, व्हेन वी हैव इंटरनेट, इंटरनेट से कुछ उठाते हैं, मोल्ड उसको करते हैं और राइट डाउन करके सबमिट कर देते हैं, उसकी बेस पे फिर उनको लगेगा अच्छा ठीक है जी, तुम लेजी, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो, तुम्हारी वजह से मेरे मार्क्स भी जाएंगे, और फिर क्या होगा कि तुम तो बस इन्हीं कामों में पड़े रहते हो, अगर तुम्हारे पास ऐसे फालतू टाइम है या तुम इतनी गर्मी में ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा. अच्छा तुम मेरे साथ नहीं जा रहे तो फिर ये क्या मेरे अकेले का प्रोजेक्ट है, फिर तुम्हें मार्क्स क्यों मिले. अब इसमें उनके आपस में काम की वजह से रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में वो इंडल्ज हो जाएंगे, वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे. तो आपस में जब आपसी रीजंस की बेस पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो फिर वहाँ पे ये जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. फिर थर्ड टाइप है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट की, हाउ टू परफॉर्म द टास्क, हाउ द वर्क गेट्स डन, काम होगा कैसे, द वे ऑफ डूइंग द टास्क, उसके ऊपर जब डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, काम करने का तरीका एक कार
उसके ऊपर जब डिसएग्रीमेंट्स आएंगे कि इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाए, तो इसके लिए मैंने डिसफंक्शनल और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सिनेरियो क्रिएट किया था कि प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे कोई एम्प्लॉय डिसएग्री करेगा और उसकी बेस पे कैसे ये एक न्यू मेथड या एफिशिएंट मेथड इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पॉजिटिव चेंज कैसे आ सकता है। तो प्रोसेस और टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द नेचर दे कैन बी फंक्शनल और कंस्ट्रक्टिव टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डिपेंड्स कि अगर आप जैसे यहाँ पे टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, मैनेजर को पता है कि काम किस तरह से करना है, या आपका लीडर है वो आपको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, लेकिन लेजीनेस की वजह से वर्कर इज नॉट विलिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सीनियर, तो वो लेजीनेस की वजह से अगर वो कहे कि नहीं इस तरह से नहीं दूसरी तरह से काम कर लेता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि आउटकम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। जो क्वालिटी ऑफ गोल अचीवमेंट है वो उस तरह की फिट नहीं होगी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट वे और कम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए कोई मुनासिब तरीका एकार बताता है या टास्क को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो फिर वो पॉजिटिव और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन देयर इज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू हैंडल दी कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी नहीं है कि अगर अराइज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डू नथिंग टू रिजॉल्व इट। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट वो रहता है, स्पेशली इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या टास्क कॉन्फ्लिक्ट या प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, जब तक उसमें कोई म्यूचुअली डिसाइडेड एंड नहीं निकलेगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए कंपनी फिर देखती है कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसमें दोनों पार्टीज का ओपिनियन वो लेती है और उसकी बेस पे फिर कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि सजेस्ट की जा सकती हैं या कंपनीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इसमें आप ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक में आप ये वर्टिकली देखें अगर तो कंसर्न फॉर सेल्फ है, अपने बारे में जो आप सोच रहे होते हैं, या इसमें असर्टिवनेस भी हम इसको कह सकते हैं, ये हाई है और लो है, ये बेसिकली एक ग्राफ है। फिर इसी तरह से कंसर्न फॉर अदर्स या जो है कोऑपरेटिवनेस आप इसको कह सकते हैं, आप दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, और कंसर्न फॉर सेल्फ आप अपने लिए कितना सोचते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपना जो आपका गोल है उसकी बेस पे आप कितना सोचते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट आपका हायर है या लोअर है, फिर आपका इंटरेस्ट दूसरों के हवाले से या कंसर्न फॉर अदर्स, आप दूसरों को कितना कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो हाई एंड लो हो सकता है। अब इसमें अगर तो ऐसा हो कि कंपनी ये देखती है कि दो लोगों के दरमियान में या दो वर्कर्स के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, या मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, वो चाहे इंटरपर्सनल है, चाहे प्रोसेस है, चाहे वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, कंपनी ये देखेगी कि अगर तो कंसर्न फॉर अदर्स है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरे का भी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, वो उतना डिसफंक्शनल नहीं है, उतना काबिले गौर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और कंसर्न फॉर सेल्फ, मेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, या दूसरों के अपोजिंग व्यू की वजह से कंपनी के लिए कोई हार्मफुल सिचुएशन बिल्ड नहीं होगी, मतलब जो माइनर छोटे छोटे से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उनकी वजह से ना कंपनी का नुकसान हो रहा है ना उस एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी यूज करेगी, उस कॉन्फ्लिक्ट को अटेंशन ही नहीं देगी। कंपनी को पता है कि थोड़ा टाइम गुजरेगा कॉन्फ्लिक्ट विल बी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व, तो अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी कंपनी यूज करेगी, कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस ही नहीं करेगी, ऐसे शो करेगी जैसे कॉन्फ्लिक्ट अकर ही नहीं हुआ। एम्प्लॉय का अगर वो डिसएग्री करता भी है तो कंपनी उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन नहीं लेगी। जैसे अक्सर होता है कि आप बताते हैं किसी सीनियर को तो वो कहते हैं कि चलें ठीक है मैंने सुन लिया, आप जाके अब अपना काम करें, अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी, क्यों, क्योंकि ना एम्प्लॉय का नुकसान हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी क्यों अपना टाइम वेस्ट करे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के डिस्कशन में। फिर सेकंड क्या है कि अगर कंसर्न फॉर अदर्स हायर है
के दूसरे या जो इम्प्लॉयज हैं उनका ज्यादा फायदा कंपनी देखे और अपना फायदा ना देखे, कंसर्न फॉर सेल्फ इज लोअर। तो कंपनी अपने इम्प्लॉयज को अकोमोडेट करेगी, अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेगी। दैट मीन्स कि अगर कंपनी के छोटे से एक्ट की वजह से इम्प्लॉयज के लिए कुछ बेटरमेंट हो रही है तो कंपनी अकोमोडेट कर देगी। जैसे यूनिवर्सिटी में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 6 होते थे हमारे, तो हमने डीजी साहब से बात की कि अब जो है वो क्योंकि समर वेकेशंस हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो 6 आवर्स की बजाय हमारा टाइम कम कर दिया जाए, क्योंकि करने के लिए ऐसा कोई एक्टिविटी होती नहीं है, तो हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएं। अब उसमें हम जा रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ही वेस्ट कर रहे हैं, जो उनके यूटिलिटी बिल्स हैं वही बढ़ाए जा रहे हैं। तो कंपनी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, हमें अकोमोडेट कर दिया, हमारे 6 से वर्किंग आवर्स 5 कर दिए। फिर एक हमारा कंसर्न था इम्प्लॉयज़ का कि हमें पर डे 6 आवर्स कंप्लीट करना पड़ते हैं, तो उसकी बजाय हमारे आप वीकली बेसिस पे 40 या 36 जितने भी आवर्स बनते हैं आप उतने कर दें। अब उसमें एक दिन जो है वो अगर हम 1 या 2 घंटे के लिए आना चाहें, ज़रूरी ना हो कि हम 6 घंटे के लिए रुकें, और दूसरे दिन हम 8-10 घंटे भी अगर रुकना चाहें, तो हमारे एट द एंड ऑफ वीक वो कंप्लीशन ऑफ वर्किंग आवर्स जो 40 हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें वो कंपनी का कोई नुकसान नहीं था कि जिस दिन हमारी क्लासेस नहीं है हमें कह दिया गया कि ठीक है उस दिन के लिए आप 2 घंटे के लिए आ जाएं, बाकी दिनों में फिर आप अपने वो जो बाकी 4 घंटे होंगे वो आप पूरे कर लें। तो फिर हम उन्होंने हमें अकोमोडेट किया, कंसर्न फॉर अदर्स। अब ये ऐसा डिसएग्रीमेंट था कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी ये डिमांड, हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इस पे गौर किया और हमें अकोमोडेट कर दिया, हमारी डिमांड को पूरा कर दिया। अब वर्किंग आवर्स की बेस पे एम्प्लॉयज का और कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि कंपनी ने एम्प्लॉयज को कंसिडर करते हुए उनके कंसर्न की बेस पे अकोमोडेट कर दिया, अपने रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाई। इसी तरह से एक और, अगर ऐसा हो कि कंसर्न फॉर सेल्फ मॉडरेट है और कंसर्न फॉर अदर्स भी मॉडरेट है, कि एवरेज 100-150% आप दूसरों का भी सोचते हैं, एम्प्लॉयज का, और 50% ऑर्गेनाइजेशन अपना भी सोचती है, तो उसमें कंपनी क्या करेगी। जैसे अक्सर होता है कि न्यू एम्प्लॉयज को जब हायर किया जाता है तो उस वक्त तो उसमें क्या होता है, जैसे लेबर यूनियंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, व्हाट दे डू इज के जितना वेज रेट या जितना पे लेबर को किया जा रहा है वो कम है, या लेबर को ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, तो उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज भी देखती है कि वो कितना पे रेज कर सकती है, कितना मज़ीद उनकी जो सैलरी है या वेज है उसको इंक्रीज कर सकती है। तो कंपनी अपनी रिसोर्सेज की बेस पे फिर, अगर जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं या वर्कर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि हमारी पे बढ़ाई जाए, हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। फिर कंपनी निगोसिएशन करती है कि कुछ अपनी बातें मनवाती है और कुछ उनकी मानती है, 50-50%, तो एक कंप्रोमाइज हो रहा था कि कुछ बातें कंपनी इम्प्लॉयज की मान के अपने इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा वो कंट्रोल कर रही होती है, उनके ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज कर रही होती है। इसी तरह जो इम्प्लॉयज है उनको कंपनी के रिसोर्सेज को देखते हुए कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और कुछ अपनी डिमांड्स वो मनवाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मानते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी से भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, इसको कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। देन अगर कंसर्न फॉर सेल्फ हो, कंपनी अपना ही सिर्फ सोच रही हो, और कंसर्न फॉर अदर्स एम्प्लॉय के लिए कंपनी कम सोच रही हो, तो उसमें कंपनी जो स्ट्रेटेजी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के लिए यूज करेगी वो होगी कंपीटिंग। आप कंपीट करेंगे और लीड लेंगे अपने कंसर्न्स के ऊपर एज कंपेयर टू योर एम्प्लॉयज। तो इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, थ्रेट्स
या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट डेडलाइंस या पनिशमेंट्स, वो चीजें रखना शुरू हो जाएगी कि जिसको यहाँ पे काम नहीं करना, जिसको इतनी पे काम करना पसंद नहीं है, ओके ठीक है जी, वी विल फायर दैट पर्सन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब से निकाल देगी। कंसर्न फॉर अदर्स, वो उनके मसले मसाले देख ही नहीं रही है। फिर इसी तरह से अगर एक बेस्ट एक ऑप्शन होता है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, वो क्या है, कोलेबोरेटिंग, जहाँ पे आप इम्प्लॉय का भी कंसर्न हायर लेवल पे देख रहे होते हैं और सेल्फ कंसर्न भी हायर लेवल पे देख रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों को 100% बेनिफिट मिल रहा होता है, दोनों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं, वो होती है कोलेबोरेशन। यूजुअली जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू पॉलिसी आती है, कोई न्यू चेंज आता है किसी भी तरह का, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूजुअली इम्प्लॉयज रेजिस्टेंस शो करते हैं कि हमें न्यू सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, हमारी स्किल्स उसके साथ मैचिंग नहीं होगी, हमारी जॉब को खतरा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो न्यूली इम्प्लीमेंटेड या चोजन प्रोसीजर होंगे, जिस तरीके से टास्क को कंप्लीट किया जाएगा और उसमें यूटिलाइज होने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, उन स्किल्स को वो अपने इम्प्लॉयज़ को सिखा देगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा, उनकी स्किल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह का टास्क कंप्लीट करवाना है, उन्हीं इम्प्लॉयज़ की स्किल्स को अपडेट करके वो कंप्लीट करवा सकती हैं। अब ये डिसएग्रीमेंट था जो कि रिजॉल्व हुआ कोलैबोरेटिवली। तो ये जो स्ट्रेटजी होगी, जहाँ पे आप दूसरे के कंसर्न को भी हायर प्रायोरिटीज पे रखते हैं और सेल्फ कंसर्न को भी, तो उस लेवल पे जो स्ट्रेटजी आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको कोलैबोरेटिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो एक टाइम में कंपनी जो है वो इनमें से सिर्फ एक नहीं, दो या तीन मल्टीपल स्ट्रेटजीज को भी समटाइम्स यूज़ कर रही होती है, और हम इनमें से किसी भी एक स्ट्रेटजी को बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटजी नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट की नेचर डिफरेंट होती है, हर एक सिचुएशन में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन जो है वो डिफरेंट होते हैं, अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटजी को चूज करना पड़ता है। तो सिचुएशन विल डिसाइड या फिर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल डिसाइड कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए कौन से वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ी है, इंटरपर्सनल अगर कॉन्फ्लिक्ट है एम्प्लॉय का जो कि फ्यूचर में जाके क्लैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो कंपनी वहाँ पे अवॉइडिंग स्ट्रेटजी कभी भी चूज नहीं कर सकती है कि अभी एम्प्लॉय ने जो है वो अपने बॉस के साथ उसके पर्सनैलिटी स्टाइल की वजह से या उसके जो लीडरशिप स्टाइल है उसकी वजह से उसके साथ डिसएग्री करना शुरू किया, तो अगर कंपनी टाइमली इसको रिजॉल्व नहीं करेगी तो फिर खतरनाक इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो इसका अंजाम होगा, वो ये हो सकता है कि एम्प्लॉय विल गो फॉर स्ट्राइक, दे विल स्टॉप वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने उस कैजुअल टाइम में जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कर रही है, वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज करने में लग जाएंगे। तो इस वाले तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए कंपनी कैन नेवर बी यूजिंग दी अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी, वो कोशिश करेगी कि कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजी यूज करे, अकोमोडेटिंग भी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे तो एक दफा उनकी सारी की सारी डिमांड्स अगर आप मान लेते हैं तो अगली दफा फिर वो ज्यादा आपसे डिमांड जो है वो कर रही होंगी, जो कि हो सकता है कि कंपनी के लिए अफोर्डेबल ना हो। तो स्ट्रेटेजिकली समटाइम्स कंपनी कुछ डिमांड्स जो हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज उनको मानती है और कुछ को नहीं मानती है, कुछ कुछ को फ्यूचर के लिए रखती है। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स टाइप्स, इट्स नेचर एंड द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज।